हिमाचल का नाम चमकाने वाली प्रदेश की बेटियों में अब एक और नाम शुमार होने वाला है। हिमाचल के जिला कांगड़ा से संबंध रखने वाली अनीता 20 जुलाई को दिल्ली में होने वाले मिक्स मार्शल आर्ट में अपना दम दिखाएगी। जिला कांगड़ा के कुखेड़ पंचायत की रहने वाली अनीता ठाकुर इस खेल में प्रदेश की पहली खिलाड़ी है। अनीता कई जिलों और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में मेडल और इनाम अपने नाम कर चुकी है। आपको बता दें, मिक्स मार्शल आर्ट जुडो, बॉक्सिंग और रेसलिंग का मिश्रण है। किस प्रकार की तैयारी और किस तरह की गेम है ये? ये मिक्स मार्शल आर्ट गेम है। तैयारियाँ अच्छी चल रही हैं वैसे तो, और ये छोटा सा है इसमें करते हैं। अच्छा। और ये गेम है जूडो और बॉक्सिंग और रेसलिंग की मिक्सअप होती है। अच्छा। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और किस प्रकार के चैलेंज रहते हैं इस गेम में, क्या करवाना? चैलेंज तो बहुत बड़ा होता है। हमारे यहाँ तो कोई खेलता नहीं वैसे हिमाचल में। अच्छा। तो बाहरली कंट्रियाँ खेलती हैं। अच्छा। तो कहाँ कुछ हो सकते फिर? अच्छा। ये किस रिंग में होती है रेसलिंग? हाँ, रिंग में होती है। अच्छा। हाँ, होता है, बड़ा सा होता है ना। अच्छा। उसमें होती है। अच्छा। तो आप क्या प्रदेश की पहली ऐसी है वो? जी, अभी कोई खेलता नहीं है। अच्छा। जी, तो आपने कैसे चुना इस गेम को, किस प्रकार इंटरेस्ट आया? पहले मैं जूडो और रेसलिंग खेलती थी। फिर सर ने बॉक्सिंग के लिए बोला। अच्छा। तो ये सब खेल के तो थोड़ा मन भर गया। अच्छा। तो सोचा कुछ यूनिक करे। अच्छा। तो ये खतरनाक गेम चुन ली थोड़ी सी। फिर मेहनत करनी पड़ती है इस गेम में? हाँ, मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ती है। और खेला तो तभी जाता है ना जब इंसान में लगन हो खेलने की। अच्छा। तभी खेला जाता है, ऐसे तो नहीं। अच्छा। अगर जज्बा हो कि नहीं हमने ये चीज़ करनी है तो कर लेता है। अच्छा। और वैसे आजकल तो सभी बोलते हैं नहीं लड़कियाँ कुछ कर नहीं सकती, लेकिन लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसा कि आप बोले कि आप शायद पहली लड़की हैं प्रदेश से जो इस प्रकार गेम में पार्टिसिपेट कर रही है, तो अभी जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो लड़की तो मिलती नहीं है, ऐसी बात है आपके लेवल की? मेरे वेट में तो लड़कियाँ हमारे नूरपुर में तो कम है ना। अच्छा। तो फिर मैक्सिमम लड़कों के साथ करती हूँ प्रैक्टिस। अच्छा। क्योंकि लड़कियों की तो एक के साथ करती थी, उसका कंधा फ्रैक्चर हो गया, तो फिर लड़कियाँ करने से मना करती हैं प्रैक्टिस। अच्छा। तो मैक्सिमम अब लड़कों के साथ करनी पड़ती है प्रैक्टिस। अच्छा। क्या उम्मीद करें हम वहाँ की, अब जिस प्रकार आप वहाँ पर किस प्रकार परफॉर्मेंस रहेगी आपकी, किस प्रकार की तैयारी है? अच्छी हैं तैयारियाँ, तो जो हमारे गुरु हैं वो अच्छा सिखाते हैं। अच्छा। उम्मीद तो यही है कि कुछ खास ही हो। अच्छा। सबकी उम्मीद है। जिस प्रकार जैसे आजकल का माहौल है ना, उसमें आए दिन हम कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है लड़कियों से, तो क्या संदेश देना चाहोगे? तो मैं अपनी बहनों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आजकल की अगर इस दुनिया में जीना है तो सेल्फ डिफेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ऐसे हों, सेल्फ डिफेंस ना हो, तो हम हमारी कमज़ोरी का बड़े बड़े लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये होता है हमारे साथ, वरना कुछ ना हो अगर लड़कियाँ खुद सेल्फ डिफेंस हो ना, कुछ नहीं होता फिर तो। अच्छी बात है वैसे, लड़कियों को ये संदेश होना चाहिए मेरी तरफ से कि सेल्फ डिफेंस रहे हमेशा। अपने को कमज़ोर ना समझे। हाँ, अपने आप को कभी किसी से कमज़ोर ना समझे। जी हाँ, मैं इसका कमज़ोर हूँ। अच्छा। आप किस में क्वालिफाई हैं? आपने मैं जूडो में नेशनल प्लेयर रहा हूँ और बॉक्सिंग में मैंने स्टेट खेले हुए हैं। अच्छा। अभी आप बच्चे को ट्रेन कर? हाँ, मैं इसे पिछले एक साल से ट्रेन कर रहा हूँ। इस लड़की ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की हुई है। अच्छा। जब ये स्टार्टिंग में मिली थी तो जिस हिसाब से इसने गेम पिक की थी, तो फिर तब भी रियलाइज़ हो गया था कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी। अच्छा। तो इस हिसाब से इसको स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल डाइट चली हुई थी। सो इसने जैसे अचीवमेंट, तो इसने शिमला में सिल्वर निकाला, जो इंटर यूनिवर्सिटी होती है उसमें ब्रॉन्ज निकाले, ओपन में इसने सीधे फाइनल खेले, जितनी भी बाउट हुई और जो भी इसकी बाउट होती है वो नॉकआउट होती थी। तो तभी से रियलाइज़ हो गया कि लड़की यहाँ के लिए नहीं बनी है, बहुत आगे जाएगी। तो हमने ऐसी गेम चूज़ की जो तीनों गेमों का मिक्सअप था। तो हमने सोचा जब शहर की लड़कियाँ MMA खेल सकती हैं, तो ये तो गाँव की लड़की है। तो जब हमने इसका ट्रायल दिलाया, तब जो इसकी बाउटें हुई सब नॉकआउट हुई। तो फिर उसके बाद ये हिमाचल की तरफ से खेलने वाली पहली फाइटर है, और बाकी तो स्टेट से खेलती हैं लड़कियाँ। अभी दिल्ली प्रगति मैदान में सेकंड चैम्पियनशिप है MMA की 20 तारीख को, तो हम वहाँ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अच्छा।
इस गेम की बात करें, एमएमए गेम, चाहे किस टाइप की गेम होती है ये? सर ये ऐसी गेम है, ये तीन गेमों का मिक्सअप है, जूडो, रेसलिंग और बॉक्सिंग का। इसमें गिव अप करवाना होता है सामने आपकी खेलने की कैपेसिटी। इसमें कोई जैसे रूल रेगुलेशन बहुत कम होते हैं, इसमें इंजरी भी हो सकती है, आँख भी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ये होता है कि सामने वाले से गिव अप करवा के आपने ये रियलाइज करवाना कि मैं नहीं खेल सकता। इसलिए जब गिव अप हो गया तब ये गेम खत्म हो जाती है। अच्छा, कितनी होप है आपको उस लड़के से आगे? इतनी होप है कि ये आगे सुपर लीग भी खेलेगा। अच्छा, बताइए आप अभी तक का आपके पास कितने बच्चे हैं, कितने लड़के? मेरे पास 25 लड़कियाँ हैं और मिनिमम 16 बॉयज हैं। तो इनकी जो ट्रेनिंग वगैरह सामान सब कुछ मैं ही अरेंज करता हूँ। बाकी यहाँ आके मैंने जो रिलाइज फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं जी सर, कोई फीस नहीं, किसी से कोई फीस नहीं। मैंने यहाँ के जो रिलाइज किया कि लड़के नशे में बिजी हैं, लड़कियाँ मोबाइल पे बिजी हैं, किसी की कोई फिटनेस नहीं है, तो उस चीज़ से इन्हें उबारने के लिए गेम्स की तरफ अटैक किया कि आओ आप गेम्स खेलो, देखो कि दुनिया कैसे है, बाहर जाओ, नए खिलाड़ियों से मिलो, उनकी फिटनेस देखो, उनसे सीखो। खिलाड़ी सर नीचे से ही आता, कभी ऊपर से नहीं आता, तो उसको मोटिवेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ हम मैंने रियलाइज़ की और अपना टाइम यहाँ पे मैं बच्चों को दे रहा हूँ। मेरे पास जो भी नॉलेज है वो सिखा रहा हूँ, अगर इन्हें कोचेज की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी प्रोवाइड करवाता हूँ, बाहर से कोचेज आते हैं वो इन्हें ट्रेन करते हैं। अच्छा, उन कोचेज का खर्चा भी आप अपने? मैं खुद ही उठाता हूँ। अच्छा, अभी आप जैसे आप बोले एक साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो आपको उसका कुछ सुखद परिणाम नज़र आ रहा है कुछ? सुखद क्या सर, पिछले साल के हमारे 7 मेडल हैं, स्कूल लेवल पे हमारे 3 मेडल हैं, तो अभी हमारे जो है हम जो खेलना चाहते हैं बड़े लेवल पे खेलना चाहते हैं, तो बड़े लेवल में हमारी एंट्री हो चुकी है, जल्दी हम आपको MTV पे दिखेंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको। थैंक यू सर। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नूरपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट।